बेटी ऑफ कोर्स, मैं खुद एक बेटी हूँ अपनी मम्मी की, जो मेरे साथ आई हैं, मुझे सपोर्ट हमेशा से करती आई हैं और आज भी मेरे साथ ही हैं. इसी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ, तो उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स मैं अपनी मॉम को दूंगी. एंड आई थिंक वो भी एक मैसेज है जो कि इसके ज़रिए जाता है कि बेटियों को सपोर्ट करना, उन्हें इक्वल ट्रीट करना. हैशटैग बी विद बेटी के लिए हम कुछ लोग चल रहे हैं एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट रहता है मेरे लिए. I've been a part of this for the past 5 years and मुझे हर बार बहुत privileged वाली फीलिंग आती है जब जब मुझे अनु मैम या शशि सर का मैसेज आता है. सो I'm वेरी वेरी हैप्पी कि ये एक ऐसा कॉज है जिसमें हर साल सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है. सो आई फील वेरी वेरी privileged, वेरी वेरी privileged. हम लोग वॉक करने वाले हैं, दैट्स फॉर अ कॉज. It's called hashtag Beti Bachao, Be With Beti, hashtag Be With Beti. So this initiative is taken by Anuranjan and today, you know, I'm very happy that I'm wearing this dress by Dipali. This is a beautiful, vibrant, ethnic dress. Plus, you know, it's also contemporary. If you look at the drape, I think it's done wonderfully. And I'm really looking forward for the event now. Okay. See, I want to say that it's a very good cause, जो बेटियों के फेवर में है, females के फेवर में है, क्योंकि आजकल बहुत women empowerment is सबसे, you know, आजकल बहुत लोग women empowerment को follow कर रहे हैं. So I'm really happy to walk for Be With Beti. देखिए, जब इतना अच्छा काम आपके रास्ते में आता है तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी मेहनत थी वो सफल हो चुकी है और सही मायनों में आज मस्ती के साथ साथ एक अच्छा काम भी होने वाला है और आपके कर्म भी अच्छे होने वाले हैं क्योंकि आप इतनी अच्छी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं. सो हैशटैग बी विद बेटी. बी विद बेटी इज सच एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव क्योंकि यू नो, एज बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, मैं खुद एक बेटी हूँ तो मुझे पता है कि हमें कितना कुछ फाइट करना पड़ा है फ्रॉम द नॉर्मल क्लीशे सोसाइटी टू कम हियर. और आज आई थिंक ये इनिशिएटिव अनु मैम ने जो भी लिया है बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव है, सो इट्स ग्रेट. एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट. साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें.